अशोक जी, जिस प्रकार देश में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पूरे देश में निकाली जा रही है, तो क्या कहना है सबसे पहले आपका? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जिस तरह से देश को अपने हाथों में लेकर ठीक ढंग से चलाया है और हर उस अनछुए पहलू को छू के देखा है जिस पर लोग बात करने को तैयार नहीं होते थे। देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में चल रहा है और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आजादी कोई हमें किसी ने गिफ्ट में नहीं दी, बहुत सारे लोगों ने इसमें बलिदान दिया था और बलिदान देकर के वो इस आशा से बलि देकर के चले गए कि काश हमारा देश आजाद होता, काश हम भी आजाद होते। और उनके बाद इस महत्व को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने समझा है कि जो लोग अपने जीते जी इस आजादी के अमृत महोत्सव को या आजाद देश की आजादी को देख नहीं पाए, इसका उपयोग नहीं कर पाए, उपभोग नहीं कर पाए, उनकी याद में उनके अरमानों को पूरा करने हेतु आज देश में हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। 75 साल में जो आज तक नहीं हुआ, इस साल ही हुआ है, तो कैसा फील कर रहे हैं और देशवासियों के लिए क्या कहना है? मैं तो समझता हूं देश के हर युवा वर्ग के अंतर आत्मा में एक जोश है, हर बच्चे पर का हमें नाज है क्योंकि आज देश के हर तबके ने इस राष्ट्रीय उत्सव को बड़े ढंग से मनाया है। जैसे कि हमने हर घर घर जा जा करके कम से कम 500 घरों पर तिरंगे हमने खुद से वितरित किए हैं। हम स्कूलों में गए, हमने बच्चों को पहले प्रशिक्षित किया कि झंडे का कोई अपमान ना हो जाए, झंडा कहीं उल्टा ना फेर जाए, किस तरह से कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो वरिष्ठ बच्चे थे 10वीं 12वीं क्लास के 8वीं 9वीं क्लास के उन बच्चों को ध्वज वितरण किए और उन बच्चों ने अपने घर जा जा करके अपने परिजनों के साथ सेल्फी खींच खींच के हमारे को हमारे नंबर पे भेजी। तो देश बहुत प्रफुल्लित है और बड़े हर्षोल्लास के साथ देश ने इस आजादी को मनाया, आजादी के पर्व को मनाया। लगातार 75 साल बीत चुके हैं, कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा बहुत आजादी को लेकर लोगों में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। इस तिरंगे यात्रा ने जिस प्रकार लोगों को आज एकजुट कर दिया है, तो क्या कहना? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करते हैं वो इतना बड़ा करते हैं कि विरोधी ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या, इनका काट क्या है, इनकी तोड़ क्या है। उनका कोई तोड़ नहीं है, उनको पता है कि देश को किस दिशा में लेके जाना है। और पिछले मोदी जी के 8 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को हासिल किया है, कोरोना काल था, चाहे आप वैक्सीनेशन की बात करें या कोई भी फ्री में अन्न वितरण की बात करें, किसी भी विषय पे अगर मोदी जी की सोच को देखें तो देश किस तरह से और कैसे चलाया जाता है, उनके अनुभव को सैल्यूट है, उनके सोच को सम्मान है। हर पार्टी ने आज तिरंगा फहराया है और तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा की यात्रा निकाली गई है, इसमें सबने मिलकर साथ दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब विरोधी पार्टियों की एक मजबूरी बन गई थी, जो लोग इस तिरंगा यात्रा पर स्टार्टिंग में हमारी मजाक बना रहे थे और वो बातें ये नहीं कर रहे थे कि तिरंगा कैसे फहराया जाए, वो बातें ये कर रहे थे कि तिरंगा सड़कों पे पड़ा मिलेगा, तिरंगा ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो इस बात के लिए प्रतीक्षा में थे। लेकिन जब देश एक तरफ से जागरूक हुआ और पूरा देश तिरंगामय हो गया तो उनको लगा कि नहीं, अब तो ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सभी पार्टियों ने इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मनाया है और सभी ने ध्वजारोहण के कार्यक्रम को फिर अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। 75 साल होने वाले हैं देश को आजाद हुए, तो क्या कहना आपका? देखिए, देश ने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और मैं तो सिर्फ अगर पिछले भाई मेरा जन्म तो 71 में हुआ है, मैं तब से देखता आ रहा हूं, हमारे घरों पे छप्परों वाले घर हुआ करते थे, आज हर घर ग्राउंड प्लस 4 बने हुए हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देश ने बहुत सारे देश गुलाम हुए, देश आजाद हुआ और हमारे देश की आजादी को जिस तरह से आज हम स्वीकार कर रहे हैं और जिस तरह से हमने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया है, दुनिया देखेगी, सैटेलाइट पर जब हिंदुस्तान की तस्वीरें देखी जाएंगी तो ये पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में अगर कोई देश आजाद हुआ और उसने अपने आप को एक ऊंचाइयों पर लाके खड़ा किया है तो वो देश भारत है। भारत देश हिंदुस्तान आज बहुत ऊंचाइयों पर है और देश ने बहुत तरक्की की है। यूक्रेन में जिस प्रकार तिरंगे की सहायता से लोगों ने अपनी जान बचाई, तो कहीं ना कहीं वो भी एक महत्व बनता है इस तिरंगे को लेकर। आप देखिए, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है और एक प्रोटोकॉल के तहत एक दिशा निर्देश दिया गया कि आप हाथों में तिरंगे लेके निकलिए। हमारी सरकार ने यूक्रेन वासियों यूक्रेन की सरकार से
अनुमति ली और उनको बताया कि हमारे बच्चों को घर आने दीजिए, तो जो लोग पाकिस्तानी भी थे वो भी तिरंगा लेके निकले। इससे बड़े देश के लिए गौरव की बात क्या हो सकती है। और यूक्रेन और रूस की दोनों की सेनाओं ने उनको सैल्यूट करते हुए देश से बाहर जाने दिया। इससे बड़ी बात देश के लिए और गौरव की क्या हो सकती है। तो क्या मैसेज होगा कल के लिए लोगों के लिए? कल 15 अगस्त है और किस प्रकार लोग मनाएं, क्या किस प्रकार से रहे? देखिए, मुझे जहां तक लगता है पूरा देश तिरंगामय हो चुका है और इससे बड़ा उत्सव देश के लिए कोई है नहीं, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है। 75वां वर्ष हमारा समाप्त हो रहा है कल, 75 वर्ष देश को आजाद हुए होंगे। तो मैं तो फिर से एक ही बार सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि जिन जो लोग रह गए हैं वो भी अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।